अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। हुआ था पहले भी मेरे चैनल पर कि मैं चाय छोड़ दिया, आई स्किप टी, लेकिन वही वीडियो मेरे और भी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ गई। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, उसमें आ गया कि रीयूज कंटेंट, तो मुझे वो वीडियो डिलीट मारना पड़ा। मैं अगेन रीशूट करके मैं अगेन अपलोड करूँगी बिकॉज ऑफ माई मेमरी, मुझे याद रहे और शायद ये लोगों को यूज़फुल लगे और लोग उससे कुछ सीखें। तो गाइस, मुझे चाय छोड़कर ऑलमोस्ट मोर देन वन मंथ हो गया है। मैंने 8th February को चाय से तौबा कर ली थी, चाय से मुंह फेर लिया था, चाय से मैंने कट्टी ले ली थी। और अभी 8th February से लेके 8th March 1 month से ज़्यादा हो गया है, और आज है 14th March। तो और आज है 3rd of Ramzan, मतलब 3rd of Ramzan का दिन हो गया, अभी इवनिंग चालू है, मतलब 4th of Ramzan चालू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब चाय छोड़ा तो दैट टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने इससे पहले भी स्टोरी शेयर की थी, लेकिन मैं वापस बोलती हूँ क्योंकि वो वीडियो डिलीट मारना पड़ा मुझे एनी हाउ। तो जब मैंने चाय छोड़ा तो फर्स्ट डे तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ, हेडेक। इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में तो इतनी याद नहीं आई, लेकिन इवनिंग में बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक हुआ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा चाय पी लेनी चाहिए, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने एक बार डिसीजन ले लिया है तो वो काम मैं नहीं करूँगी। ओके गाइज, 8th February गया, अब 9th February आया। 9th February के टाइम मुझे सेम ऐसे ही हुआ, मॉर्निंग में थोड़ी सी क्रेविंग हुई कि चाय पी ली जाए, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं है, मैंने 1 day स्पेंड कर दिया विदाउट टी, अब मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगी। तो मैंने 2nd day भी अपने आप को कंट्रोल किया, और जब 2nd day का इवनिंग आया तो सेम हेडेक, सेवियर पेन होने लगा मेरे सर में, सर ऐसे घूमने से लगा, और एकदम ऐसा लग रहा था कि ना चाय की वजह से ही दुख रहा है। मुझे पता है क्योंकि गाइस जो टेस्ट होता है ना, वो हमारे टंग से ज़्यादा हमारा जो ब्रेन है, हमारा तो टेस्ट हमारे बॉडी, हमारी जबान से ज़्यादा हमारे ब्रेन को पता चलता है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको मनाना बहुत मुश्किल है। हम जबान पे कंट्रोल कर सकते हैं टेस्ट के मामले में, लेकिन दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगा पी लेनी चाहिए थोड़ी सी चाय, लेकिन नहीं, मैंने कंट्रोल किया। अब जब 2nd day भी मेरा सर दर्द हुआ, फिर भी मैंने चाय नहीं पी और मैं सो गई जल्दी से। फिर 3rd day आया, थर्ड डे में मुझे सुबह सुबह लगा थोड़ी सी पी लो, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया। फिर गाइस एक बात बताऊं, 3rd day में मुझे इवनिंग में या नाइट में कोई हेडेक नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ, और दैट डे जब से लेकर अब तक ना मुझे याद आती है, ना मुझे क्रेविंग होती है, और ना ही मुझे कुछ एम्प्टीनेस लगता है कि चाय की कमी है या किसी चीज़ की कमी है, या अनहैप्पीनेस लग रहा है या अनफुलफिल लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, बिकॉज चाय पीते थे जब हम, तो उसके लिए एक टाइम मेंटेन करना पड़ता था, एक रूल था, एक टाइम टेबल था, और एक पंक्चुएशन सा था कि इतने टाइम चाय पीनी है, इतनी चाय पीनी है, यहाँ जाओ तो चाय मिलेगी, वहाँ जाओ तो चाय पीनी है, कहीं से आओ तो चाय पीनी है। ऐसा था कि कहीं ट्रैवल कर आ रहे हो या कहीं जा रहे हो तो पहले चाय पी लेते हैं, चलो एक कप चाय हो जाए, ये एक रूल हो गया है हमारे मतलब सोसाइटी में, तो ऐसा कुछ था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, किस कोई कुछ भी टाइम हो रहा है, कोई ऐसा पंक्चुएशन नहीं है कि आपको चाय पीनी है, कोई रेगुलेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए वो रेगुलेशन था, क्योंकि मुझे 4 बज गए 5 बज गए तो चाय पीनी है, सुबह उठो तो नाश्ता करो, फिर चाय पीनी है, फिर दोपहर में फिर चाय पीनी है, मेरी ऑलमोस्ट 3 to 4 cups हो जाती थी। लेकिन अब मुझे उस चीज़ की याद भी नहीं आती, एंड प्लस मेरा वो टाइम भी बचता है, चाय बनाओ फिर पियो, उसके बारे में सोचो वगैरह, वो सब बातें ख़त्म हो चुकी हैं। चाय का जो मेरा एरा था वो ख़त्म हो चुका है, मैंने चाय छोड़ दिया है। और कॉफ़ी तो मैं पीती ही नहीं थी, बहुत कम लेती थी, इनटेक करती थी सम टाइम इन ऑकेशनली, और या फिर मूड होगा तब, तो मैंने उसको भी वाइप कर दिया, कॉफ़ी को भी और चाय को भी। और गाइज एक बार अब जब ट्राई करोगे चाय छोड़ने की, तो आप ट्राई करके देखना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये मैंने कर दिखाया है, मेरे लिए मुश्किल था 2-3 दिन, लेकिन मैंने किया और अब मैं उसको मेंटेन रखी हूँ। अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और मैं खुश हूँ चाय छोड़कर। अब चाय छोड़ने के बाद मैंने क्या लेना स्टार्ट किया है उसकी जगह, मैं
आप लोगों को बताती हूँ, जब मैं चाय पिया करती थी तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं चाय लेती थी, लेकिन अब चाय छोड़ दिया है। जबकि अब चाय पीती ही नहीं हूँ, तो मैं सबसे पहले उठने के बाद गरम गरम पानी, थोड़ा सा हॉट वाटर, 1 कप या 1 कप से ज़्यादा, वो पहले पीती हूँ। देन आफ्टर थोड़ी देर के बाद फिर नाश्ता करती हूँ, और दिन भर में फिर कुछ चाय वगैरह नहीं, अगर दैट्स वन। और पहले तो हर कोई पूछता था चाय चाहिए चाय लाऊं, ऑफकोर्स सी बात है कि ये एक कॉमन सेंटेंस है, चाय चाहिए। लेकिन अब मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है जब कोई चाय बोलता है तो हम बोलते हैं नहीं। लेकिन गाइस, चाय छोड़ने के बाद आपकी बॉडी एकदम फ्रेश फ्रेश लगने लगती है, एकदम अलग सा फील होता है। चाय पीने के, जब चाय की एडिक्शन होती है, मुझे एडिक्ट मैं जब एडिक्ट हुई चाय की, मुझे नहीं पता वो टाइम कब था एंड व्हेन आई वाज गेट एडिक्टेड, वो नहीं मुझे पता। लेकिन जब एडिक्शन हो गया तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, वो छूटना छोड़ना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी। एंड जब मैंने डिसीजन लिया, पता नहीं मुझे एनी हाउ कैसे आया वो डिसीजन, लेकिन बहुत अच्छा था। मैंने किसी का देखा नहीं, मोटिवेशन नहीं हुआ, मोटिवेशनल ऐसा कुछ वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखा, सुना भी नहीं, पता नहीं मेरे माइंड में आया और ये जो आया, जो मैंने किया, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। लेकिन चाय को छोड़ना, हमारे इंडिया में चाय के बारे में गलत बोलना, ये तो हजम नहीं करने वाली बात है। बिकॉज हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट मे बी छोटे बच्चों से लेकर 3 टू 4 ईयर से बच्चों से लेकर ओल्ड एज पीपल तक चाय कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, और वो कोई गलत नहीं समझते उसको चाय पीना। लेकिन गाइस, अगर आप देखोगे तो ये इट इज़ नॉट गुड टू टेक टी इन अ लार्ज अमाउंट। 1-2 कप ठीक है, लेकिन 1-2 कप भी आप लेते हो तो आपको एडिक्शन हो ही जाती है एनी हाउ। तो वो अपने टंग को उसका मज़ा लग जाता है, चस्का लग जाता है, हैबिट हो जाती है, माइंड को उसका उसकी हैबिट हो जाती है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मैंने चाय छोड़कर मैं बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैंने मेरी बॉडी को, मेरी हेल्थ को, आई फील वेरी हेल्दी फ्रेश। वीडियो री अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, और होप आप लोग लाइक करोगे, पसंद करोगे भी। ये मुझे करना पड़ रहा है मजबूरन, और ये मेरे कंटेंट है मेरे चैनल के, मैं करूँगी, मुझे वर्क करना है, मेरे चैनल का ग्रोथ करना है, और मेरी ऑडियंस के लिए मुझे वीडियो अपलोड्स करनी है, और मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी, मोटिवेशनल और डेली रूटीन या फिर चैरिटेबल, हर तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी मैं इंशाल्लाह। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, अल्लाह बरकत दे, हिम्मत दे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।